मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी बाल संस्थान का निरीक्षण किया तथा निर्देश दिया कि 300 बेडेड कोविड अस्पताल में मरीजों को रखने से पूर्व अग्निशमन एवं अन्य सुरक्षा उपायों की पुनः जांच कर ली जाए। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने प्रत्येक तल पर निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति के जायजा लिया और निर्देश दिया कि साफ सफाई आदि के कार्यों को तत्काल कराया जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि इस कोविड चिकित्सालय में 100 आईसीयू बेड तथा 200 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं तथा अस्पताल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोविड बेडों की संख्या 200 से बढ़कर 500 हो गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी केवीएन पांड्यन ने बताया कि फायर की चेकिंग के बाद लेवल 3 के अस्पताल में मरीजों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी तथा वहाँ कार्य कर रहे मजदूरों को वार्ड में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, प्रधानाचार्य बीआरडी डॉक्टर गणेश कुमार, डॉक्टर माही मित्तल तथा कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने कहा, वेटिंग का उपकरण और बाकी सुविधाएं, वो डॉक्टर रुकने के लिए यानी पैसिव क्वारंटाइन कहते हैं, एक्टिव क्वारंटाइन कहते हैं, डॉक्टर वहीं रुकते हैं जो ट्रीटमेंट का, उनका जो सुविधा कैसा है उसी के लिए फाइनल भ्रमण के लिए हम लोग गए थे और कार्यदायी संस्था के निर्देश देके आए हैं। आज सफाई वफाई करा करके आज शाम से नहीं तो कल से पेशेंट लेना शुरू कर रहे हैं। सर, पेशेंट वहाँ भर्ती होने पर कुछ मजदूरों से बात की गई थी तो कह रहे थे कोरोना पेशेंट आएगा तो हम लोग काम बाधित होगा यहाँ पे। उनका किस फ्लोर में जो कोरोना पेशेंट रखते हैं उसी फ्लोर में हम लोग फिर मजदूर अलाउ नहीं करेंगे, उनका पीछे की तरफ से दूसरे रास्ता है और उन लोग का जो तीन फ्लोर नंबर 3, 4, 5 में पेशेंट रहेंगे उसी फ्लोर में किसी का अलाउ नहीं करेंगे, केवल डॉक्टर जाएंगे। बाकी फ्लोर पीछे की तरफ से एक्सेस है, जो उनका फिनिशिंग कराना है तो 9th फ्लोर, 10th फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर में वो काम कर सकते हैं। व्यवस्था उसी हिसाब से कराएं ताकि उनका एंट्री एग्जिट अलग रहेगा, पेशेंट का एंट्री एग्जिट अलग रहेगा, डॉक्टर का अलग रहेगा। सर, जो पाइपलाइन लगना था ऑक्सीजन वाला उसका काम पूरा हो गया? पाइपलाइन का ऑक्सीजन पूरा हो गया और आज का फायर का टेस्टिंग हो रहा है, पहले भी एक बार टेस्टिंग हो गया, धूल लकड़ की वजह से दोबारा हम लोग टेस्टिंग करा रहे हैं आज फायर का और बाकी उपकरण सारे लग गया है। उम्मीद है आज शाम तक, नहीं तो कल तक हम बताएंगे।